तो गाइस, तो आज मैं बात करूंगा इंडिया के 90s के कार्टून्स के बारे में, कि हम जब इंडिया में कार्टून नेटवर्क कैसा था हमारे टाइम पे, इंडिया के 90s के कार्टून्स कैसे आते थे। तो वीडियो को एंड तक देखे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इंडिया के कुछ कार्टून्स ऐसे थे कि उसमें मजा ही कुछ और था। 90s के कार्टून्स में बहुत ही मजे थे। एक ऑसवर्ल्ड नाम का कार्टून आता था, सच में पता नहीं मुझे वो क्यों अच्छा लगता था, लेकिन वो बहुत ही बेस्ट था यार। उसमें वो एक ऑक्टोपस रहता था और उसके कोई दोस्त रहते थे जैसे कि पेंगुइन और फ्लावर। ये एक तरह से मतलब एक कार्टून था जो ठीक ठाक था ये, और ऑसवर्ल्ड में खासी उसका एक पेट भी था जिसका नाम था विनी। पता नहीं क्यों पर मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि मैं ये बिना देखे इसको मतलब खाना तो खाता नहीं था। और सेम बल्कि के मेरे साथ नॉडी के साथ था। नॉडी और नॉडी की वो जो गाड़ी की जो आवाज़ रहती थी टू टू, वो मुझे बहुत पसंद थी। सच में मैं अभी भी उसको बहुत मिस करता हूँ। तो जब मैं 90s के कार्टून्स की बात कर रहा हूँ तो शकल अका बुम बुम तो जरूर होगा, क्योंकि यार मुझे शकल अका बुम बुम बहुत पसंद था दोस्तों। कि शकल अका बुम बुम में मतलब एक पेंसिल रहती थी कि वो पेंसिल से आप कोई भी ड्राइंग बनाओ तो वो सच हो जाती थी, एरोप्लेन हो या साइकिल। वो एक मैजिक पेंसिल के लिए पता नहीं मैंने कितनी सारी पेंसिलें खरीदी थी कि कोई ना कोई एक वर्क कर जाए और मैजिक पेंसिल बन जाए, पर वो नहीं हुआ सच में। और हमारे 90s के कार्टून में सच में एक साइंटिस्ट हुआ करता था, ऐसा वैसा साइंटिस्ट नहीं था, एकदम मतलब बहुत ही बच्चा था, पर लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट को टक्कर देने की कोशिश करता था। डेक्स्टर द लेबोरेटरी, मानो या ना मानो पर लेकिन हमेशा एक बंदी जो उसकी रहती थी इसका पूरा प्लान चौपट करने के लिए, और वो और कोई नहीं रहती थी, वो रहती थी दीदी, उसकी खुद की ही बड़ी बहन। स्कूल में जब भी कोई ड्रैगन की बात होती थी ना तो सबसे पहले आता था द चेक द ड्रैगन, अमेरिकन ड्रैगन, जिसमें वो बेचारा हमेशा एक ड्रैगन है और एक इंसान के रूप में रहता था। सच में बहुत ही अच्छा कार्टून था। और जब मैं कार्टून नेटवर्क की बात करूँ ना तो उसमें उसका सबसे पॉपुलर एकदम पॉपुलर शो कार्टून नेटवर्क का पोकेमोन। सच में इसमें उसके वॉइस एक्टर की क्या बात थी, क्या डबिंग करते थे लोग, मैं अभी भी वो पुरानी डबिंग को मिस करता हूँ यार। बस देखो तुम मेरा जवान, मैं और ये मेरे दोस्तों हैं कमाल, जीतेंगे हर बाजी करके धमाल, सपना है ये मानो मैं कामयाब, थोड़ा भरोसा बस अपने पे हो अपने पे। बस 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 रोक दिया, बताए ना पोकेमोन में शोपुरु क्या करता है, इस वजह से आपके लिए इतनी क्लिप। और जब मैं पोकेमोन की बात करूं तो उसमें डिजिमोन तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे, पर लेकिन यार इसमें मुझे बहुत सारे एवोल्यूशन देखने मिलते थे, और इस वजह से एवोल्यूशन के चक्कर में मुझे ये बहुत पसंद आया शो डिजिमोन डिजिटल मॉन्स्टर। लड़ना ही है ये मैंने तो जान लिया, जब खाना है तो है माना, सब आदमी और शाना, लक्ष्य लिए बढ़ता हूँ, जी जान लिए लड़ता हूँ, चाहे लाख बुरे हाथ आए रहा, चाहे आकाश भी आंसू से जब धुंधला होने लगे, पर खिलेंगे फिर हंसते हुए दिन नए नए दिन खिलेंगे, डरने के सहमने के अब दिन है चले गए हैं, विश्वास के आकाश मुझ में है, मुझ में ही है, रुकू नहीं मैं बस बढ़ता हूँ, आसमां ये नीला और विशाल कहे है, आंसू हो चाहे चाहे खुदा।
करते रहना, हंसता चल यूं परेशानियों में भी कर विश्वास कि तुझ में है आकाश, तेरे कदमों के निशा तुझसे बोले कि जो भी हो कभी ना हार मार। और डिजिमोन डिजिटल मॉन्स्टर के बारे में बात करूं तो मेरी सबसे फेवरेट सीरीज थी मार्कस वाली, पता नहीं क्यों पर मेरे को उसका एक्शन बहुत पसंद आता था। और यहाँ आता है मेरा सबसे फेवरेट शो ड्रैगन बॉल जी। ड्रैगन बॉल जी से मेरा कनेक्शन कुछ ऐसा था कि मैं साइबर कैफे में जाता था गेम खेलने, इसके लिए इसके गेम्स ही कुछ ऐसे औसम थे जिस वजह से मैं ड्रैगन बॉल जी का बहुत बड़ा फैन था। मुझे ट्यूशन से आते ड्रैगन बॉल देखता ही था 8 बजे, फिर नारुतो के लिए भी पक्का बैठ जाता था 9 बजे। नारुतो देख के बिना मैं डिनर नहीं करता था सच में, और उसका थीम सॉन्ग मेरे अंदर मालूम नहीं कुछ अलग ही फीलिंग लेके आ जाता था। और ये थे कुछ 90s के कार्टून्स और एनिमे, सच में इनका कोई जवाब नहीं। 90s के कार्टून्स के अभी भी मेरे पास बहुत सारे, जैसे कि जॉनी ब्रावो, करेज द कावजी डॉग, बेली एंड मैंडी, एड एंड एडी, इतने सारे शोज, फ्लिंस्टोन, ये वो, आपको मैं क्या बताऊँ, बाकुगान जैसे शोज, अभी भी मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ। हमने तो बहुत ही मतलब टाइम निकाल दिया ये शोज देख के अच्छे से, पर अफसोस आप लोग जैसे एरा को ये शोज देखने नहीं मिल पाए। सच्ची बोलूँ ना, कार्टून नेटवर्क अपने वो शोज को वापस से लेके आए ना तो उसका बहुत ही अच्छा काम चले, सच में बहुत अभी भी मिस कर। आप वीडियो देख रहे थे तो आपके मन में शायद ये ख्याल आया होगा कि इसके पास इतनी पुरानी क्लिप्स कहाँ से आई हमारे हिंदी वाली ये। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि एक चैनल है जिसका नाम है बैक टू 90s, उसको मैंने सब्सक्राइब किया क्योंकि उसका चैनल बहुत ही औसम है, और जो भी क्लिप्स आपने देखे हैं ना इंट्रोस, उसका ही मैंने यूज़ किया हूँ। और प्लीज़ ये चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, मैं आपको खुद ये रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी 90s की याद आ रही है वो पुराने पल की, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं 90s की। तो हाँ दोस्तों, पुराने दिन की याद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर मारना, और चाहिए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और बाजू में एक बेल आइकन रहेगा उसे भी दबा देना। तो जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, गुड बाय।